السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं ऐशा रुमाना हूँ, सैफुल्ला खालिद की बीवी हूँ मैं. इन्हों जामिया किंग खालिद यूनिवर्सिटी में दुक्तोरा हासिल कर रहे हैं. इनका माजिस्टर जामिया इस्लामिया में मदीने में हुआ और मैं मदीने में 5 साल तक रही. वहाँ पर 5 साल के दौरान वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जुल्म शिद्दत करे इन्हों मुझ पर. बेल्ट के ज़रिए से, वायरों के ज़रिए से, पाइप गीज़र के पाइप का नेट रहता उससे भी मारते थे मुझे वहाँ पे. और हमल के वक्त मेरे पेट पे मारते थे, मेरे पेट पे लातों से मारते थे, मेरे पेट पे लातों से मारते थे. और डिलीवरी के वक्त भी, डिलीवरी के बाद भी मुझे सर पे ठोंगे मारते थे मेरे, और मुझे ठोंगे मारते थे, मुझ पर बहुत मारते थे. ऐसे कई जुल्म सही में वहाँ पर बहुत ज़्यादा. और मेरे वहाँ पे माँ बाप आने के बाद, माँ बाप से रब्ता नहीं करा है मुझे मदीने में रहे तक. अब कई मेरे इल्तिजा करने के बाद करा है, लेकिन उस वक्त भी मुझे मारते थे. ऐसा बोलते क्या, वैसा बोलते क्या मारते थे. और इनके सामने रहते हुए मेरा रब्ता होता था. और मदीने में आने के बाद मेरे माँ बाप मदीने में आए थे हज के लिए, उम्रे के लिए आए थे. तब उन्होंने ना मेरे माँ बाप खूब दखल अंदर नहीं लिए, घर के अंदर भी नहीं लिए थे. और मेरे बच्चा पैदा हुए वक्त, मेरा बच्चा मोहम्मद पैदा हुआ, डीएनए टेस्टिंग कराए. ये बच्ची के टाइम पे भी डीएनए टेस्टिंग कराने की कोशिश करे, मुझे बोलते थे डीएनए कराऊंगा मैं, बच्चे ये हमारे है क्या नहीं बोल के. इस तरीके से मेरे पास शक शक भी करते थे. और उसके बाद हमारे इंडिया जाने के बाद कई मामला था. हमें वहाँ पे भी जुल्म सहने के बाद, मारने के बाद मैं मेरे वालिदैन को सुनाई. उसके बाद हमारी जमात में बात हुई, जमात में बैठक में बात हुई कि ऐसा वादे हुए हमारे, नहीं बात हम दूसरे उन्होंने मेरे को मारेंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करेंगे. वह क्या करें, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, फिर अब आने के बाद फिर वैसे शुरू कर दिए. मुझे यहाँ पे आने के बाद भी मुझे ऐसे पचकड़ा मारते थे, मुझे ये कान से ये कान, दो कानों पर मारते थे. मारे तो कान मेरे 20 दिन तक मेरा इलाज नहीं हुआ उसका. और तकरीबन मेरे को 10-15 मारा, दो कानों पे ऐसा, दो हाथों से ऐसा लेके मारे मुझे. उसके बाद मुझे यहाँ पर आने के बाद जानलेवा हमला हुआ, जिसकी वजह से मैं दिल टूट गया मेरा इनके साथ रहने का. चाकू लेके आए मेरे पास मारने के लिए, चाकू लेके. जब बच्चे आके बोले अब बाबा नक्को, बाबा चाकू नक्को मारो बाबा बोले, तो बच्चे आके मारे. बाबा अम्मी को मार रहे थे, हम लोग आके अम्मी को रुका लिए चाकू से मारते देख के. बच्चे भी रोके, उसके बाद इन्होंने रुके. अगर बच्चे नहीं रहते शायद मेरा कुछ ना कुछ होता, या तो फिर मेरे को कुछ ना कुछ करने की, जानलेवा हमला करने की पूरी कोशिश करे इन्होंने मुझे. और ये बात मैं सास ससुरों को भी खबर करी कि मैं यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो रहा, बोले तो तुम लोग मियाँ भी विल है, मैं क्या भी कर लो, ऐसा कुछ भी करके छोड़ दिए मेरे सास ससुरे भी. और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे है ना, अब मैं ये जानलेवा हमला होने के करने के बाद मेरा दिल नहीं रहा, तो मैं मेरे माँ बाप के पास जाने का इल्तिजा कर रहा हूँ. तो 5 लाख दे के जाने के लिए बोल रहे हैं, और बच्चों को छह छोड़ के जाओ बोल रहे हैं. माँ को यहाँ पर रुक लो बोल रहे बाबा, अम्मी को जाओ बोल रहे, हमारे को यहाँ रख लेना चाह रहे हैं मेरे पास, यहाँ से नहीं रहना, नहीं बच्चे नहीं आना, बच्चे को नहीं भी जाना की धमकी दे रहे मुझे. मेरे बच्चे के साथ नहीं रहना, मेरे बच्चे होना है तो यहाँ से रहो बोल रहे, बच्चे को यहाँ से रख लेते बोल रहे, लेकिन मैं अकेली जाओ बोल रहे. लेकिन अब्बू मैं मेरे बच्चों के साथ आना चाह रहा हूँ, अब्बू मैं मेरे 5 बच्चे आना चाह रहे, वो आपके पास अब्बू मेरे बच्चों के साथ आना चाह रहे अब्बू. और इन इल्ज़ाम लगा रहे कि कई उन्होंने खुद क्या कर रहे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, मारा खुद से मार ले रहे या फिर कुछ कर रहे, बच्चों के सामने बता रहे अम्मी मारे बोल के बता रहे. लेकिन मैं बच्चों को नहीं मारी, मैं इनको उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती. मैं वो जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह बदला लेगा बोल के छोड़ दी मैं. लेकिन बच्चों के सामने बोल रहे कि मैं अम्मी मारे होगा तो बोल रहे. बाबा है नहीं, अम्मी को खाली पीली झूठ झूठ बोल रहे बच्चों के सामने, मेरे सामने बच्चों के दिमागों को खराब कर रहे हैं. बस अम्मी अब्बू मैं बच्चों के साथ आना चाह रहा हूँ, अब्बू मेरे को बुला लो, अब्बू मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के साथ मैं आना चाह रहा हूँ अब्बू. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.